तो अभी टाइम हो रहा है 7:15 और ट्रैक शुरू कर दिया हमने। तो देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ, पूरा ग्लेशियर है यहाँ पे। देखो घोड़े ने अभी उड़ा दिया था 2-3 लोगों को। मुझे उड़ाने वाला था भैया। तो यहाँ से त्रिपुरा ग्लेशियर दिख रहा है और इसका नाम पता नहीं मुझे क्या है। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, सनरेज आ रही ऊपर से बहुत ब्यूटीफुल व्यू के साथ। यहाँ पे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं ब्लू रंग के, काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रैक है। जस्ट स्टार्ट किए और आज मौसम देखे कितना अच्छा है, तो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स तक होगी अभी शायद। चलो वाटरफॉल देख के आते हैं। तो यहाँ पे देखो बेरीज लगी हुई है, आई डोंट नो कौन सी है, मे बी रेसबेरी। लोगों ने यहाँ वेजिटेबल्स उगा रखे हैं। तो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट तक चलते हैं शॉर्टकट। ऑलवेज फॉलो द लोकल पीपल। हम चेक पॉइंट पहुँच गए, तो ये रास्ता हेमकुंड जाता है और ये जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो हम यहाँ से जाएंगे उधर की तरफ। तो हमने वहाँ से शुरू किया था और ये हमारे साथ SDRF वाले और फॉरेस्ट वाले भी चल रहे हैं, जो हमें बताएंगे ऊपर जाके फूलों के बारे में, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, याद रखना मेरे बस की तो बात नहीं है। तो वे हेल्प करेंगे, हमारी फ्लावर्स के बारे में नॉलेज देंगे। तो वैली ऑफ फ्लावर्स इज 4 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, 4 किलोमीटर यहाँ से। लेट्स गो। तो काफ़ी सिंपल रास्ता है, प्लेन रास्ता है, और रास्ते में अभी हमें रोज दिखे थे जंगली और कुछ येलो कलर के स्वास दिखे थे। रास्ता थोड़ा पत्थर वाला है, इसलिए मुझे नीचे देख के चलना पड़ रहा है। दिखाता हूँ आपको कैसा रास्ता है। तो ये रोज़ है, तो इसको पहचानने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसमें ना थॉर्न्स होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं, इससे पता चलता है कि रोज़ है। बाकी यहाँ से आगे 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके यहाँ से 700 मीटर जो लेक है ना, लेक जो जॉन मार्गेट लेक जिसने यहाँ आइडेंटिफाई किया था 500 फ्लावरिंग को, रैंक इसमें भी तो पोस्ट किया था ना, वो बहुत ही सी जिसने यहाँ आइडेंटिफाई किया। हनुमान चिट्ठी है जा सकता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे है, चेक पोस्ट की है, हमें यहाँ से जाना है। यहाँ से यहाँ पे ग्लेशियर तो अभी होगा नहीं, तो इजीली क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ से जाना है हमें इस साइड यहाँ पे। तो ये है जहाँ पे डेथ हुई थी लेजर्ड्स की, जिन्होंने डिस्कवर किया था जगह को, मतलब लोकल लोग तो पहले से रहते थे बट उन्होंने डिस्कवर किया था, बुक लिखी थी नॉवल जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था। बाकी चलते हैं आगे। तो ये ब्रिज क्रॉस करना है अभी,
तो ये सब कीड़े ने खाया है, कीड़े ने खाया है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था काफ़ी साल पहले, तो वहाँ पे तो प्रॉपर था कि मतलब आदमी खड़ा हो, जिसमें भी खड़ा हो सकता मतलब आदमी, बट उसमें तो मोटे से मोटा आदमी भी खड़ा हो सकता। इट्स अ सिल्वर फर ट्री। ये ब्लू पॉपी है, ये यहाँ पे उगते हैं, लेकिन अभी अभी थोड़े छोटे बर्ड्स है, धीरे धीरे बढ़ेंगे अभी। तो ये हमारी पुष्पावती गंगा, पुष्पावती रिवर है। इसको पुष्पावती इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे पुष्प उगे होते हैं, जिसका मतलब फ्लावर होता है, और इसलिए इसका नाम पुष्पावती रिवर है। आगे देखिए कितनी बढ़िया लग रही है रिवर, तो हम रहते हैं वीडियो बनाते हैं उसका। पुष्प गंगा को क्रॉस कर लिया हमने, तो पुष्प गंगा बहुत ही बोट से यहाँ पे आते हुए, और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। काफ़ी लोग फोटोज भी खींच रहे हैं, बट मेरे फोटो खींचने के लिए कोई है ही नहीं। मैंने एक दो लोगों को बोला फोटो खींचने के लिए, कोई फोटो खींच नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, हम वीडियो बना देंगे, रील बना देते हैं। ओह गॉड, यहाँ पत्थर थोड़े चुभने लग गए पैरों में। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं और ब्यूटीफुल होते हुए जा रहा है। देखो यहाँ पे कितना प्यार का ट्रैक बना हुआ है, इसके बीच से जाना है। धूप भी आने लगती है, तो ये भोजपत्र है। पुराने जो हमारे ऋग्वेद है ना, जितने भी वेद हैं सब इसी में लिखे हुए हैं। इसके ना जो कवर होता है इसको निकाल के इसमें ग्रंथ व्रंथ लिखे थे पुराने ज़माने में, तो काफ़ी पॉपुलर है ये इस वजह से। तो यहाँ लास्ट चोटी है, इसके बाद पूरा फ्लैट है रास्ता, और ये हमें एक पेड़ मिला है बेरीज़ का, लेकिन ये जो बेरीज़ है ना ये एडिबल नहीं है, इसको खा नहीं सकते। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये वाले प्लीज दिखेंगे ना, तो ये वाले बेरीज मत खाना। तो वो है एमकुम साहिब दिख रहा है, काफ़ी धूप हो रही है। तो पीक आ गया है, इसके बाद तो प्लेन रास्ता है। तो ये सामने बुग्याल दिख रहे हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रास लाइन्स बोलते हैं, और मौसम ख़राब होने लग गया, विजिबिलिटी कम हो गई काफ़ी ऊपर साइड। अब जब नीचे आएंगे तो देखते हैं क्या पता ठीक हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट में चलना भाई, नीचे पूरी खाई है। तो अब हिल ख़त्म हो गया, डाउन हिल शुरू हो गया हमारा। काफ़ी अच्छा रास्ता है, इजी है। तो वो सराय बना रखे हैं बैठने के लिए। हमें मिल गया पानी का स्रोत, पानी भरेंगे पड़ोन। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, बिस्लरी हो गया और किनले हो गए, ये सब पानी ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे स्रोत को ना रेंट पे लेते हैं लोकल पीपल से पहाड़ों में, और उसको कैरी करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, वहाँ पे इसमें आरओ का वाटर मिला के उसके मिनरल की क्वान्टिटी कम करके बेचते हैं। तो इसमें इतना मिनरल होता है कि इसका टेस्ट इतना मीठा होता है पानी का, तो आप कभी भी आओगे ना ट्राई करना, स्रोत का पानी बहुत मीठा होता है, तो काफ़ी मिनरल्स होते हैं इसमें, जिस हेल्प करता है आपके डाइजेशन के लिए। खाना इसलिए पहाड़ों में जल्दी पकता है, सॉरी पकता है पच जाता है,
लोगों को और इसी तरह फिट रहते हैं लोग। तो वैली ऑफ फ्लावर्स में एंट्रेंस हो गई है हमारी। जाते हैं वो खिसकता रहा है, दो तीन दिन का रास्ता है। अच्छा, अपना ग्लेशियर है यहाँ से, 3 दिन का रास्ता है। अच्छा, यहाँ से लीती माना का रास्ता, लीती का यहाँ से 7 दिन का ट्रैक है ना। अच्छा, जाती है। हाँ, 7 दिन का ट्रैक है लीती का ये। तो अभी ब्रिज मैंने क्रॉस किया है, मैंने उधर से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं रील शॉट ले रहा था इधर को आते समय। देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ से हमारी वैली शुरू हो गई है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, मौसम बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। देखते हैं। देखिए नेचुरल स्रोत है पानी का, कितनी ब्यूटीफुल जगह है यार, मज़ा आ गया। यहाँ पे 500 प्लस आई थिंक 514 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं, और वहाँ पे झरना भी है ऊपर, और तो वैली ऑफ फ्लावर्स में हम चारों तरफ फूल ही फूल है। 500 प्लस वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है यहाँ पे, 514 आई एम माइट बी रॉन्ग बट मुझे लगता है 514 है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे। नीचे फॉग आने लग गया, चलो चलते हैं आगे, ना कुछ दिखेगा नहीं। तो मैं एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा हूँ अभी। बारिश की वजह से ना जितने भी यहाँ के प्लांट्स थे, जितने भी फ्लावर्स थे, सब टूट गए हैं। इस वजह से आपको फ्लावर्स दिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कुछ दिनों से, तो सारे प्लांट्स टूट गए हैं। तो थोड़े बहुत ही प्लांट्स मिल रहे हैं हमें, बाकी सामने यहाँ बेरीज लगी हैं रेड कलर्स की, रेड कलर की सब बेरीज लगी हैं इसमें, और ये पूरा फ्लावर से भरा रहता है। मतलब लास्ट की अभी जुलाई अगस्त में यहाँ पर पूरा फ्लावर रहता है, लेकिन मैं आया हूँ सेप्टेम्बर ऑफ 3rd को, इस वजह से बारिश की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। मौसम काफ़ी साफ़ है और ये अच्छी चीज़ है, बाकी अच्छा लग रहा है बैठ के। मैं तो जूते वूते पहन लिए करके, थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि कल बहुत दूर जाना है ट्रैक पे, कल हमें जाना है उस चोटी पे, बिल्कुल टपना भी दिख नहीं रहा और बिल्कुल बॉटम से ऊपर गया। तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, थैंक यू। कितनी सारी बेरीज लगी यहाँ पे, 1000 ऑफ बेरीज।
तो ये है मीठा, जो है बोलते हैं इसको, इस प्लांट को, ये काफ़ी पॉइजनस होता है और इसके पास भी नहीं आना चाहिए क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी पॉइजनस होती है, तो इसके पास जाना अवॉइड करना चाहिए। तो मैं थोड़ी दूर से बना रहा हूँ वीडियो, बाकी इंडिकेशन तो इसका ब्लू कलर दे ही रहा है कि पॉइजनस है, तो थोड़ा दूर जाते हैं इससे। तो ये बैंगनी जो फूल दिख रहे हैं, इनका सीज़न चल रहा है आजकल, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखो चलो, एक तो मिला हमें ये फ्लावर, क्योंकि हमें एक भी फ्लावर नहीं मिला था, सब सूखे में मिले थे, तो एक ने सर्वाइव किया है। और इस फ्लावर का खासियत ये है ना कि इसको आप नीचे से देखोगे ना, बहुत अमेजिंग व्यू आता है इसका। और हवा से डांस करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। एक ब्रिज और आ गया है, सो क्रॉस करना है हमें। और ये देखिए कितने फ्लावर्स हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे, वाओ देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वो व्यू। तो यहाँ से राइट अगर जाने में त्रिपा जाएगा, और नीचे है लैगी ग्रेव, जहाँ पे जियोलॉजिस्ट गिर के मर गई थी, बिकॉज वो एक्चुअली बॉटनिकल इंग्लैंड की बॉटनिकल गार्डन की रिसर्चर थी, जो कि यहाँ पे फ्लावर्स पर रिसर्च करने आई थी, और उनका स्मारक बना यहाँ पे, वो देखने जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम में ना यहाँ पे पूरी बर्फ़ जम जाती है, तो हुआ क्या था कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जॉन मैकग्रेट आई थी, जो कि यहाँ से गिर गई थी नीचे, शी डाइड हियर, और उनके सिस्टर ने बनाया उनके लिए, तो बहुत अच्छा व्यू यहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं वापस। बॉडी मसाज, फुल बॉडी मसाज, तो ये ट्रैक करके पूरी बॉडी दर्द हो गई थी, मसाज करवा रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है इसके बाद। 15 मिनट की मसाज है, अंडे वाली की सब्जी, ये एक्चुअली होती बिच्छू घास। फ्रैंक स्मिथ, जिसने नोटिस कर लिया था वैल्यू ऑफ फ्लावर्स की नॉवल है, और ये है डिक्शनरी About the flowers, value of flowers.